यूपी में कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 904 नए एक्टिव नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। संक्रमण से रिकवर होने वाले मरीजों की वजह से एक्टिव केस घटकर 4852 हो गए हैं। दो संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा बिगड़ते हालात लखनऊ में है। यहाँ एक दिन में 147 मरीज सामने आए। राजधानी के शहरी इलाके में एक बार फिर कोरोना के हब बनकर उभरे हैं। इस बीच शासन की गाइडलाइन के मुताबिक एक बार फिर कोरोना आइसोलेशन वार्ड में लगे बेड बढ़ाए गए हैं। राजधानी ज्यादातर संक्रमित आलमबाग में मिले हैं। यहां 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। केसरबाग व इंदिरा नगर में 13-13 लोग संक्रमित मिले हैं। अलीगंज और सरोजनी नगर में 21 लोग संक्रमित मिले हैं। चिनहट में 20 लोग पॉजिटिव मिले हैं। उनके रोड व रेड क्रॉस में 7-7 लोग चपेट में हैं। सिल्वर जुबली में 4 लोगों में वायरस पाए गए हैं। गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कुल 73,408 सैंपल की जांच हुई। टेस्टिंग बढ़ाने के सीएम के आदेश के बाद भी अब तक इसे बढ़ाया नहीं गया है। विभागीय अफसरों की माने तो इसमें लगातार इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,167 संक्रमित रिकवर हुए। फिलहाल प्रदेश में कुल 4,578 एक्टिव केस है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।